आतंकवाद के खिलाफ फ्रांस लाएगा नया कानून, आतंक समर्थक देश टर्की ने किया विरोध। फ्रांस कट्टरपंथ के खिलाफ लगातार कदम उठा रहा है। टर्की के अल्ट्रा नेशनलिस्ट ग्रुप ग्रे उस पर प्रतिबंध लगाने के ऐलान के बाद अब फ्रांस एक ऐसा कानून पेश करने जा रहा है जिससे मुस्लिम देशों के साथ उसका विवाद बढ़ना तय है। आंतरिक मामलों के मंत्री गेराल्ड डमेनिन ने सरकार की इस तैयारी का खाका पेश किया है। उन्होंने बताया कि सरकार एक ऐसा बिल संसद में रखने जा रही है जो धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव पर पूरी तरह रोक लगाएगा। यदि किसी पुरुष ने महिला डॉक्टर से इलाज करवाने से मना किया तो उसे 5 साल तक कैद हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यही बात महिलाओं पर भी लागू होगी, यानी अगर वह किसी पुरुष डॉक्टर से उसके लिंग के आधार पर इलाज करवाने से इनकार करती है तो उन्हें भी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वहीं आतंक का समर्थक देश टर्की ने फ्रांस के इस कानून का विरोध किया है। उसका कहना है कि यह कानून महिलाओं के अधिकारों का हनन है। स्पेशल डेस्क टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।